हाय एवरीवन, तो रेस्पिरेशन प्लांट्स की बात आ चुकी है। सबसे छोटा चैप्टर है ये, 11th क्लास का हम देखें, सबसे इजी चैप्टर भी है। ओ लॉर्ड, कल रात को आते अकेले भाई, मतलब वीडियो चल रही है, वीडियो बिगड़ रही है, वीडियो चल रही है। हाँ, वीडियो चल रही है भाई। ओ गज्जू भाई, गज्जू भाई हमारे, गज्जू भाई बढ़िया एकदम मस्त काम है इनका। इनसे हम बात करेंगे इनके बारे में अभी आगे, तो मिलवाएंगे भी इनसे अभी। आप अच्छे से गज्जू भाई बात, अच्छे से बात करेंगे एक बार, चिंता मत करो। हाँ, अच्छे से मिलवाएंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटे चैप्टर है, जो भी टॉपिक्स हमने सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि इस चैप्टर में तुम्हें, अगर मैं सच बात बताऊँ तो इसमें केवल दो चीज़ें हैं, क्रैब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। इनकी अगर तुम्हें रिएक्शन याद है और पूरा तुम्हें सीक्वेंस वाइज याद है तो बस तुम्हारा 80% चैप्टर खत्म। उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर्ड हैं एनसीईआरटी की। मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में विद स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा पूरा कवर्ड है। और लास्ट में हमारे गज्जू भाई की मीम की बात कर लेते हैं। तो गज्जू भाई हमारे बड़े परेशान हैं, क्या चक्कर है कि क्लास में जब ये क्लास अटेंड करते हैं, लास्ट में इनका डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल डाटा खत्म हो जाता है, तो बेचारों की ऐसी शक्ल हो जाती है, क्योंकि गज्जू भाई सही बात है कि नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं। अगर तुम्हें पिछले चैप्टर की बायो चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगी, और अगर तुम्हें सारी बायो की प्लेलिस्ट में अरेंज फॉर्म में चाहिए तो तुम इस प्लेलिस्ट पे जाओ।